वर्ब ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव, हाँ इंट्रांसिटिव, ठीक है। देखो होता क्या, ये जो हमने लाइक लिखा है ना ये प्रेपोजिशन है, और हॉट केक जो हमने नाउन लिखा है वो प्रेपोजिशन के बाद लिखा, तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर हम किसी वर्ब के बाद में किसी नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं ना, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अगर प्रेपोजिशन के बाद लिखे तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया वो वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो जो हॉट केक है ना वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का नहीं है, मतलब वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो वर्ब इंट्रांसिटिव हो गई। फिर यहाँ पे देखो, ही इज सेलिंग व्हाट, व्हाट इज ही सेलिंग, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया बलून्स, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब ट्रांसिटिव। फिर हमने लिखा द बिल्डिंग बर्न टू एशेस, तो ये जो एशेस है ये ऑब्जेक्ट है टू प्रेपोजिशन का। अगर ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो फिर ये वर्ब का तो ऑब्जेक्ट हुआ नहीं, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के हो गई, तो ये वर्ब इंट्रांसिटिव हो गई। फिर हमने लिखा ही बर्न व्हाट, व्हाट डिड ही बर्न, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया ऑल द फाइल्स, ये वर्ब हमारी ट्रांसिटिव। फिर हमने लिखा द चेयर ब्रॉक, हाउ, हाउ डिड इट ब्रेक, तो आंसर आ गया सडनली। तो सडनली ना तो व्हाट का रिप्लाई है ना हाउ का रिप्लाई है, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अब हमें पता हाउ का रिप्लाई है तो हम उसे एडवर्ब लिख दे रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है इतना पता होना काफी है। तो हमें पता ही ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब इंट्रांसिटिव होगी। यहां पर जो हमने ब्रोक लिखा है, दे ब्रोक व्हाट, द चेयर, तो द चेयर ऑब्जेक्ट हो गया। हालांकि व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब भी लिखा है, लेकिन एडवर्ब से कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वर्ब ट्रांसिटिव होगी। अभी जो हमने वर्ड्स लिखे हैं अगर हम इनको देखें, तो सेल का मतलब क्या होता है, बेचना या बिकना। सेल का मतलब बेचना या बिकना, दोनों होते हैं, याद से समझ लो। सेल का मतलब बिकना भी होता है और सेल का मतलब बेचना भी होता है। बर्न का मतलब जलाना भी होता है, बर्न का मतलब जलना भी होता है। ब्रेक का मतलब तोड़ना भी होता है, ब्रेक का मतलब टूटना भी होता है। अब यहाँ पे ऐसी वर्ड हमने शायद पहले भी कभी डिस्कस किए होंगे, मैं एक बार बता देता हूँ, उनका ध्यान रखना। जैसे ब्रेक है, ब्रेक का मतलब तोड़ना भी और टूटना भी। बर्न का मतलब जलना भी, जलाना भी। सेल का मतलब बेचना भी, बिकना भी। ग्रो का मतलब ग्रो करना भी और ग्रो होना भी, ठीक है। हाइड का मतलब छिपना भी, छिपाना भी। स्टॉप का मतलब रोकना भी, रुकना भी। स्टार्ट का मतलब स्टार्ट करना भी, स्टार्ट होना भी। ओपन का मतलब ओपन करना भी, ओपन होना भी। क्लोज का मतलब क्लोज करना भी, क्लोज होना भी। चेंज का मतलब हाँ चेंज कर देना भी, चेंज हो जाना भी। बेथ का मतलब नहाना भी, और किसी चीज को धोने को भी बेथ करना ही कहते हैं, मतलब दोनों ही होता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इंग्लिश में बहुत सी वर्ब्स ऐसी होती हैं, प्रूव है, जैसे प्रूव का मतलब साबित करना भी और साबित होना भी। तो अ नंबर ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश आर यूज टू एक्सप्रेस बोथ मीनिंग्स ऑफ डूइंग एंड हैपनिंग। तो अब जैसे ये वर्ब्स हमने यहां पे लिखी ना, ये ऐसी वर्ब्स हैं जो डूइंग मीनिंग भी कन्वे करती हैं और हैपनिंग मीनिंग भी कन्वे करती हैं। एक वर्ब इसमें मेल्ट है, जैसे मेल्ट, मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना भी और पिघलाना भी, दोनों ही मीनिंग होते हैं। तो अब हमें ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, इससे हमें निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष ये निकालना है कि इंग्लिश में जो वर्ब हैपनिंग होते हैं वो हमेशा इंट्रांसिटिव होते हैं, जो डूइंग वर्ब्स होती हैं केवल वही ट्रांसिटिव हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी डूइंग वर्ब है वो ट्रांसिटिव होगी ही होगी, वो भी डिपेंड करता है कि उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जा रहा है तो ट्रांसिटिव, नहीं तो इंट्रांसिटिव। हाँ, हैपनिंग वर्ब्स हमेशा इंट्रांसिटिव होते हैं, केवल डूइंग वर्ब्स ही ट्रांसिटिव हो सकती हैं, वो भी सारी डूइंग वर्ब्स ट्रांसिटिव हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है अटपटा लगे सुनकर, लेकिन चूंकि रीजनिंग पढ़ते ही होगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सब समझ जाओगे। वैसे सभी ट्रांसिटिव वर्ब्स डूइंग होती हैं, लेकिन सभी डूइंग वर्ब्स ट्रांसिटिव नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना है। सभी हैपनिंग वर्ब्स इंट्रांसिटिव होती हैं, लेकिन सभी इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैपनिंग हो ऐसा नहीं है। आई कुछ बात समझ में?